बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वन आर्ट द पोएम वन आर्ट इन द सिलेबस ऑफ बीए बलाजबत बाशेर। द आर्ट ऑफ लूजिंग इजंट हार्ड टू मास्टर, सो मेनी थिंग्स सीम फिल्ड विद द इंटेंट टू बी लॉस्ट दैट द लॉस इज नो डिजास्टर। लूज समथिंग एवरी डे एक्सेप्ट द फ्लस्टर of lost door keys and are badly spent. The art of losing isn't hard to master. The fact is losing faster, places and names and where it was you went to travel. None of these will bring disaster. I lost my mother's watch and look, my last are next to last. Of three loved houses went. The art of losing isn't hard to master. I lost two cities, lovely ones, and water. Some rhymes. I owned two rivers and a continent. I missed them, but it wasn't a disaster. Even losing you, the yoking voice, a gesture. I love. I should have lied. It's evident. The art of losing isn't fair. Out of losing is not too hard to master, though it may look like write it like disaster. अलर्जित बाईशेफ ने इस पोएम के अंदर बताया है कि हम तमाम लोगों को भूल जाने का फन सीख लेना चाहिए, हम तमाम लोगों को खो देने का फन सीख लेना चाहिए, क्योंकि तमाम जिंदगी में बहुत सारी चीजें इंसान से खो जाती है। बल्कि यूं कहिए कि हर एक चीज के अंदर एक इरादा मौजूद है खो जाने का। आपके हाथ में पेन है, आपके हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में जो चीज भी है या आपकी बिलोंगिंग में जो चीज है जो आपसे मुंसलिक है, हर चीज खो जाना चाहती है। हर चीज में एक इरादा मौजूद है खो जाने का। खो जाने के फन में बड़ा फायदा है, जैसा कि आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करें पहले चीजों को खो देने की। कैसी प्रैक्टिस करें? जैसे कि आप दो चीज घर के दरवाजे की चाबियां खो दें, फिर आप दरवाजे पर जब जाएंगे चाबी होगी नहीं, आप फिर दरवाजे के बाहर बैठे रहे दो घंटे तीन घंटे आराम से बैठे रहेंगे, चाबी नहीं, आप क्या किया जा सकता है? कुछ भी नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होने वाला। ऐसा ऐसा प्रैक्टिस कीजिए चीजों को खोने की, फिर बड़ी बड़ी चीजों को खोने की कोशिश कीजिए और चीजें खो जाएंगी, कुछ भी नहीं होगा, कोई परेशानी भी नहीं आएगी, कोई तबाही भी नहीं आएगी। बल्कि ये खो देने का फन सीख लेना चाहिए हमें, क्योंकि चीजें जिंदगी में खो जाती हैं इंसान से। फिर कहती है मुझे देखिए, मैं जिस इलाके में रहती थी वहां पर रिवर थे दो, वहां पर बड़े बड़े मैदान थे, मैंने तीन घर बदले हैं और मैंने हर एक घर को छोड़ दिया है, खो दिया है। मैंने वो रिवर खो दिए हैं, मैंने पूरे बड़े बड़े कॉन्टिनेंट खो दिए हैं, इलाके खो दिए हैं मैंने। कुछ भी तो नहीं हुआ, कोई तबाही नहीं हुई। मैंने अपनी माँ के, मेरी माँ ने मुझे एक घड़ी तोहफे में दी थी शायद, मैंने वो खो दी, कोई तबाही नहीं आई, कुछ भी नहीं है। आखिर में पोएटिस अपने लवर से कहती है कि यहां तक के मिस्टर लवर, अगर तुम्हें भी खो दूं तो ये एक हंसी मजाक होगा, कुछ भी तबाही नहीं आएगी, ये एक हंसी मजाक होगा, कुछ भी तबाही नहीं आएगी। लेकिन आखिरी लाइन के अंदर पोएटिस ने कुछ और कहा है और पोएटिस आखिरी लाइन में रो पड़ी है, और पोएटिस आखिरी लाइन में रो कर क्या कहती है, आइए पोएम को लाइन टू लाइन ट्रांसलेट करते हैं और समझते हैं कि आखिर में उसने क्या कहा। The art of losing isn't hard to master. Art of losing, खो देने का फन, art, fun, कमाल, हुनर, खो देने का फन सीखना isn't hard, मुश्किल तो नहीं है। To master, केस में महारत हासिल कर ली जाए, खो देने के फन में महारत हासिल करना कठिन तो नहीं है, खो देने के फन में मास्टर हो जाना मुश्किल तो नहीं है, कठिन तो नहीं है। हमें खो देने के फन को सीखना ही नहीं, बल्कि खो देने के फन में
मास्टर बन जाना है, महारत गेन कर लेनी जानी है, हर चीज खो देने के मास्टर बन जाए हम लोग। फिर ओके ठीक, सो मेनी थिंग्स सीम, बहुत सारी चीजें ऐसी नजर आती हैं फिल्ड विद इंटेंट, वो इस इरादे से भरी हुई है, बहुत सारी चीजें हमें इस इरादे से भरी हुई नजर आती हैं। किस इरादे से? टू बी लॉस्ट, टू बी लॉस्ट कि वो खो जाए, बहुत सारी चीजें खो देने के इरादे से भरी हुई नजर आती हैं। दैट देयर लॉस इज नो डिजास्टर, और याद रहे कि इनका खो जाना कोई तबाही नहीं लाएगा। बहुत सारी चीजें खो जाने के इरादे से भरी हुई नजर आती हैं, लेकिन इनका खो जाना कोई तबाही नहीं है। लूज समथिंग एवरी डे अब आपको सिखा रही है, जब खो देने के फन सीखने में कोई तबाही नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, हमें खो देने का फन सीख लेना चाहिए। क्यों सीख लेना चाहिए? हमें खो देने का फन क्यों सीखना चाहिए? क्योंकि ये चीजें इंसान की जिंदगी में बहुत सारी खो जाती हैं। आपसे आपके बचपन के दोस्त खो गए हैं, आपसे आपकी स्कूल टीचर खो गई हैं, आपसे स्कूल मेट्स क्लास फेलोज खो गए हैं, आपसे बचपन के खिलौने खो गए हैं, आपसे बहुत सारी बुक्स थी जो खो गई हैं। कुछ ऐसे लोग होंगे जो फौत हो गए होंगे बेचारे, वो भी आपसे खो गए हैं। चीजें खो जाती हैं क्योंकि इसी तरह जब आप बड़े होते जाएंगे, चीजें आपके हाथ से फिर भी गुम होती जाएंगी, दूर जाती जाएंगी। तो फिर आइए भूल जाने का फन क्यों ना सीख लें ताकि जिंदगी आसान हो जाए। खो देने का फन क्यों ना सीख लें कि जिंदगी आसान हो जाए। आइए तो खो देने के फन की तरबियत कैसे देती है? कहती है लूज समथिंग एवरी डे, रोजाना कुछ ना कुछ खो दीजिए, एक्सेप्ट द फ्लस्टर, परेशानी मोल ले लीजिए, रोजाना कुछ ना कुछ खो दें और परेशानी मोल ले लें, परेशान हो जाइए। ऑफ लॉस्ट डोर कीज, जैसे कि दरवाजे की चाबियां खो दें, बाहर वाले दरवाजे की चाबियां खो दी, द हाउस बैडली स्पेंड, फिर बाहर ही बैठे रहिए, घंटे बुरी तरह से जाया कर दीजिए, यानी कि घंटे, जैसे कि आज हमारे यहाँ लाइट चली जाती है तो बैठ जाते हैं, घंटे जाया हो जाते हैं। जिस दिन आपने घर जाते हैं, कोई भी शख्स अपने घर जाता है इंडिपेंडेंट, यहाँ तो आपका फैमिली सिस्टम है, वहां तो फ्लैट में रहते हैं लोग, अकेले भी रहते हैं। अगर लड़की जाती है घर में या लड़का जाता है घर में, तो पहली बात ये घर के दरवाजे को चाबी लगाते ही सोच रहे होते कि अंदर जाके कंप्यूटर ऑन करना है, या फिलहाल काम पड़ा हुआ वो करना है, खाना बनाना है, या ये करना है, सारी सोचें जहन में आना शुरू हो जाती है। घर में आते हैं फिर काम में लग जाते हैं, मसरूफ हो जाते हैं। तो घर की चाबियां जब खो जाए तो बाहर बैठ जाएंगे, कहेंगे चाबियां ही नहीं है, क्या किया जा सकता है, कई घंटे जाया हो जाएंगे, मजा आए, फिर एक घंटे जाया कर दीजिए। द आर्ट ऑफ लूजिंग इज इट हार्ड टू मास्टर, और खो देने के फन में महारत हासिल करना कठिन तो नहीं है, मुश्किल तो नहीं है। देन प्रैक्टिस लूजिंग फर्दर, फिर ऐसा ऐसा और चीजों को खोने की प्रैक्टिस कीजिए, लूजिंग फास्टर, और तेज तेज चीजों को गुम कीजिए, जल्दी जल्दी चीजों को गुम करना सीखिए, प्लेसेस जगहें गुम कर दीजिए, जगहों को खो दीजिए, जगहों को भूल जाइए, नेम्स नाम भूल जाइए, एंड वेयर इट वाज यू वेंट, और ये भी भूल जाइए कि आप किस तरफ गए थे, कहाँ गए थे। घर से निकले हैं आप डीवीडी लेने के लिए और फिर भूल जाइए कि आप डीवीडी लेने आए थे, आप वंडरिंग करते रहिए, हर चीज खो दीजिए, भूल जाइए। टू ट्रेवल, किस तरफ आपने सफर करना था ये भी भूल जाइए, नन ऑफ दीज विल ब्रिंग डिजास्टर। और याद रहे जिन चीजों को भी तुम भूल जाओगे, खो दोगे, इनमें से कोई चीज भी तबाही नहीं लाएगी, कोई बर्बादी नहीं आने वाली, कुछ भी नहीं होने वाला। आई लॉस्ट माई मॉडल वॉच, मैंने अपनी माँ की दी हुई घड़ी गुम कर दी, एंड लुक, और देखो यहां से पोइट्रेस का मूड जो है सैड हो गया है। पहले वो जोश में थी कि हर चीज को खो दो, अब पोइट्रेस यहाँ पर उदास हो गई है, तो वो रोहांसी सी हो गई है, वो रोने लग गई है, रोते रोते रोने वाले मूड में वो कहती है, आई लॉस्ट माई मॉडल्स वॉच, जिस तरह कोई शख्स याद में चला जाता है, माजी की याद में चला जाता है, इसे लिटरेचर में कहते हैं नॉस्टैल्जिया, कहते हैं नॉस्टैल्जिया में चली गई है। कहती है आई लॉस्ट माई मॉडल्स वॉच, मैंने अपनी माँ की घड़ी गुम कर दी, एंड लुक, और देखो
माय लास्ट, वो मेरा आखिरी और नेक्स्ट टू लास्ट, या वो दरमियान वाला ऑफ थ्री, तीन घरों में से तीन घर बदले हैं पोएट्स ने। कहती है मेरा पहला घर खो गया, मेरा दूसरा घर भी खो गया, तीन में से लव्ड हाउसेस वेंट, बड़े प्यारे घर थे चले गए, वेंट चले गए। देखो मेरे तीन घरों में से दो घर चले गए या तीनों घर चले गए। और फिर मैंने माँ की घड़ी गुम कर दी। द आर्ट ऑफ लूजिंग इजंट हार्ड टू मास्टर। देखो खो देने के फन में मास्टर बनना मुश्किल तो नहीं है, कठिन तो नहीं है। आई लॉस्ट टू सिटीज, मैंने दो शहर खो दिए। शायद पोएट्रिस दो मुख्तलिफ सिटीज में रही है, फिर उन सिटीज को छोड़कर कहीं और बस गई है, तो कहती है मैंने दो सिटीज खो दिए। लवली वन, बहुत प्यारे थे वो शहर। एंड वॉस्टर सम राइम्स आई ओन, और वॉस्टर और वसी और सम राइम्स, कुछ इलाके आई ओन जो मेरे थे, और मैंने कुछ वसी और इलाके खो दिए जो मेरे इलाके थे। टू रिवर, मैंने दो दरिया खो दिए, यानी कि उसके इलाकों में से दरिया गुजरता होगा ना। और कॉन्टिनेंट, देखो मैंने एक कॉन्टिनेंट बड़े आजम खो दिया मैंने, जैसे कि एक आदमी हिंदुस्तान या पाकिस्तान से इंग्लैंड चला जाए तो उसका बड़े आजम ही तब्दील हो जाता है, कॉन्टिनेंट तब्दील हो जाता है। तो बड़े आजम ऐसे, कॉन्टिनेंट का मतलब बड़े आजम, जैसे अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ये कॉन्टिनेंट है ना, ठीक है। I miss them. पोएट कहती है मैं उन्हें याद तो करती हूं, बट इट वजंट अ डिजास्टर। हाँ लेकिन ये सब चीजें तबाही नहीं है। तमाम चीजें वो गिनवाया है कि किस तरह उसने माँ की घड़ी गुम कर दी थी, किस तरह वो प्यारे प्यारे घर थे तो हाउसेस थे जो उसने खो दिए थे। कहती है मैंने वो खो दिए हैं, मुझे वो याद भी आते हैं, हाँ लेकिन उनका खो देना कोई तबाही तो नहीं है। आखिरी हिस्से में पोएट्रेस कहती है इवन लूजिंग यू, जब हर चीज ही खो गई है, हर चीज ही हाथ से बाहर निकलती जा रही है, पोएट्रेस इंतहाई डिस्टर्ब हो गई है, उदासी के मूड में कहती है इवन लूजिंग यू, यहाँ तक कि तुम्हें भी खो देना, तुम्हें यू लवर के लिए आया है, अपने लवर को कहती है या अपने हस्बैंड को कहती है कि तुम्हें भी खो देना। द जोकिंग वॉइस, ये एक शर्त होगी, अ जेस्चर, ये एक हंसी मजाक होगा, इवन कि तुम्हें भी खो देना कोई तो भाई नहीं है, ये एक हंसी मजाक ही होगा। आई लव, मैं तुमसे मोहब्बत तो करती हूं। आई शेड हैव लाइट, हाँ मैं झूठ भी नहीं बोलूंगी, मैं झूठ नहीं बोलना चाहती। कहती है यहां तक कि तुम्हें भी खो देना, तुमसे मोहब्बत करती हूं, हंसी मजाक में। आई शेंट हैव लाइट, मैं झूठ नहीं बोलना चाहती। इट्स एविडेंट, ये बात बहुत वाज़े है। द आर्ट ऑफ लूजिंग नॉट टू हार्ड टू मास्टर, के खो देने के फन में महारत हासिल करना माना के मुश्किल नहीं है। ये बात वाज़े है कि खो देने के फन में महारत हासिल कर लेना कठिन तो नहीं है। पोएट्रेस रो पड़ी है, आखिरी लाइन में कहती है जो इट मे लुक लाइक, ताहम ऐसे लगता है जैसे, राइट इट, कहती है लिख दूं, लाइक डिजास्टर, जैसे बहुत बड़ी तबाही हो। पोएट्रेस ने पूरी पोएम में आगाज में उसने कहा है कि खो देने का फन सीखना चाहिए, चीजें क्योंकि खो जाती हैं। दरमियान पोएट्रेस को अपनी माजी की सारी यादें आ गई। पोएट्रेस ने कहा कि मैंने बहुत सारी चीजें जिंदगी में खो दी है। आखिर में पोएट्रेस डिस्टर्ब हो गई, कहती है हाँ एक दिन तुम्हें भी खो दूंगी, तुम्हें भी खो देने से कोई तबाही नहीं आने वाली। असल में तो पोएट्रेस का अब दिल लबरेज हो गया है, गम से भर गया है, उस दुख से भर गया है कि चीजें उसके हाथ से खो गई हैं, कई चीजें खो गई हैं,
जब उसका दिल भर चुका है तो फिर वो कहती है यहाँ तक के तुम्हें भी खो देना, ये एक हंसी मजाक होगा। और कहती है मैं झूठ नहीं बोलूंगी, गो के खो देने का फन सीखना कठिन नहीं है, लेकिन पूछती है कि लिख दूं ब्रैकेट में, और फिर कहती है लाइक डिजास्टर कैसे तबाही हो। यानी कि पोएट्स ने कहना यह है कि जो चीजें हमारे हाथ से खो जाती हैं वो ऐसे होती हैं जैसे तबाही हो। सुनाइए।